गो एयरलाइंस इंडिया एलटीडी के लेंडर्स एविएशन नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के निर्णय पर अंतिम ऋण की कोई प्रतिबद्धता करने से पहले एयरलाइन के पुनर्स्थापना योजना को इंतजार करेंगे, दो लोगों को जानकारी है। 9 जून को एयरलाइन की क्रेडिटर्स कमेटी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कोसी ने मिलकर फैसला किया कि अतिरिक्त ऋण स्वीकृति से पहले डीजीसीए की मंजूरी का इंतजार करेंगे। यद्यपि अनुमान लगाया जा रहा है कि एयरलाइन को उड़ान भरने के लिए 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता हो सकती है, परंपरा के अनुसार अतिरिक्त वित्त की मात्रा उड़ानों के स्तर पर निर्भर करेगी जिसे एयरलाइन वर्तमान में चलाने की योजना बना रही है। यदि नियामक योजना से संतुष्ट नहीं है तो अधिक राशि उधार देने में कोई मतलब नहीं है, एक व्यक्ति ने कहा। एयरलाइन ने एक योजना डीजीसीए को सबमिट की है जिसका उद्देश्य 5 विमानों से शुरू करना है और समय के साथ इसे 25 विमानों तक बढ़ाना, जिसमें विभिन्न फंडिंग सहित कई कारकों पर निर्भर करेगा। बैंक ने गो एयर की संचालन तत्परता की समीक्षा की और माना कि इसने 50-60% तक पायलटों और बहुमत ग्राउंड स्टाफ को बरकरार रखा है, इसलिए वह जल्द ही सेवाएं पुनः प्रारंभ कर सकती है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT द्वारा मंजूर की एक समाधान योजना के बाद भी जेट एयरवेज की दीर्घकालिक पुनर्जीवन प्रक्रिया भी बैंकों के दिमाग में है। दूसरे व्यक्ति के अनुसार लेंडर्स सकारात्मक रहे हैं और पहले ही डीजीसीए और सिविल एविएशन सचिव के साथ बातचीत की है और विकल्पों पर काम कर रहे हैं। हम लोगों और बुनियादी ढांचे के मामले में पूरी तरह से तैयार हैं और मंजूरियों का आदान प्रदान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, व्यक्ति ने नाम छुपाए हुए कहा। लेंडर्स ने इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अल्वारेज और मार्सल अल्वारेज एंड मार्सल के अभिलाष लाल को EY के शैलेंद्र अजमेरा के साथ स्थानांतरित करने का फैसला किया है। उपरोक्त उद्धरणों के अनुसार लेंडर्स को लगा कि एविएशन दिवालियापन को संभालने के लिए EY अधिक योग्य है। लाल का नाम 10 मई के न्यायिक आदेश के अनुसार वो एयरलाइंस द्वारा वैधिक दिवालियापन आवेदन के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था। एयरलाइन के पास 6,521 करोड़ रुपए की कर्ज है। सरकारी मालिकाना केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया कंसोर्शियम का प्रमुख बैंक है और इसकी कुल अनुभव में से 1,987 करोड़ रुपए का विमान का आकस्मिक ऋण इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS योजना के तहत स्वीकृत हुआ था। संविदा ताजनों में बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, डॉयचे बैंक और अमेरिकी विमान वित्त कंपनी UT फाइनेंस कोप शामिल है। केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया को भेजे गए ईमेल का उत्तर प्रेस के समय तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली और पूर्व को फर्स्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशिक खोना को एक टेक्स्ट संदेश का उत्तर नहीं मिला। 10 मई को राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने गो एयरलाइंस के दिवालियापन आवेदन को स्वीकार किया। पहले एयरलाइन ने अपने आवेदन को दिवालियापन ट्रिब्यूनल के पास ले जाने का फैसला किया। इसे प्रैट और विटनी के अंतर्राष्ट्रीय एरो इंजन्स LLC द्वारा पेश की जा रही असफल होने वाली इंजनों की बढ़ती हुई संख्या के परिणाम स्वरूप घोषित किया था। इसके कारण 1 मई की तारीख तक 25 विमानों को ग्राउंड पर रखना पड़ गया है।